सलोन तहसील में डीएपी खाद के लिए किसान परेशान नजर आ रही है। एफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र में लगी भीड़। कारण जानने पर पता चला कि डीएपी खाद ना मिल पाने से किसानों का खस्ता हाल हो गया है। किसानों ने गैर जिम्मेदार कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा, समय से खाद ना मिल पाने से हम लोगों की खेती समय पर नहीं हो पा रही है और खेती समय पर ना हो पाने से उत्पादन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। आलू की बुआई जोरों पर चल रही है और बिना डीएपी के आलू की बुआई नहीं हो सकती। इसके साथ आपको बता दें कि रबी की प्रमुख फसलों में आलू, सरसों, मटर, सब्जियों की बुआई हेतु खाद की बड़ी आवश्यकता को लेकर कई दिनों से लगातार किसान जूझ रहे हैं। जवाब देने को लेकर कर्मचारी मुंह छिपा रहे हैं। सुबह होते ही हजारों किसानों की भीड़ खाद के लिए कृषक सेवा केंद्र के सामने आ खड़ी होती है। सारा दिन लाइन में लगे किसान परेशान होते नजर आते हैं, फिर भी खाद नहीं मिल पाती। शाम तक इंतजार के बाद पता चलता है कि ना सचिव है, ना ही उनका मोबाइल नंबर लग रहा है। 1200 कीमत की डीएपी लापरवाह कर्मचारियों की वजह से 1400 रुपए में लेने को मजबूर हो रहे हैं किसान। एक एक बोरी के लिए यहाँ वहाँ किसान भटक रहे हैं और किसानों को हम भगवान के रूप में मानते हैं, जबकि किसान भगवान की बातों को सुनने को कोई तैयार ही नहीं। आखिर किसानों की इस दुर्गति को देखने के लिए उच्च अधिकारी कब अपनी नींद से जागेंगे? सलोन से आलोक मिश्रा के खास रिपोर्ट। 7 बजे से आए, सुबह 7 बजे खाद नहीं मिली। सुबह 7 बजे की आए। कौन सी खाद नहीं मिल रही है? डीएपी। क्या नाम है आपका? अनीता यादव। कहाँ के हैं आप लोग? लम्बुई जोधिकपुरवा। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या खाद नहीं मिल रही। गेहूँ बोना है, आलू लगाना है। कितने दिनों से परेशान है आप? आज 3-4 दिन से दौड़ रहे। कल आए तो कहीं खाद चुक गई, लौट के गए। आज 7 बजे से आज भी नहीं मिल रही। कल कहते हैं छुट्टी है, परसों आना। मौके पे आए ना आए, फिर कल 5 बजे से सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक रहे, फिर लाइन में एकदम पहुँच पहुँचा के खादे चुक गए, नहीं मिल पाई। आएगी फिर भी खाद नहीं मिलेगी। 12 बजे के बाद अगर खाद आएगी तो तीन दिन से लगातार 3 दिन हो गए खाद नहीं मिल रही।